साथ मौजूद है सपना चौधरी। सपना जी, आखिरकार आप आज बीजेपी दफ्तर में आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि आप क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करना चाहेंगे? इसकी कोई वजह नहीं है, ये सब पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान को पता है। ही वॉज वेरी गुड लीडर और हमारे हिंदुस्तान को ऐसे लीडर की जरूरत है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, मुझे बताइए क्या लगता है मोदी जी को कितनी सीटें मिलने वाली है? फुल ऑन सीटें आने वाली। राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रवाद, सपना चौधरी क्या सोचती है इसके बारे में? मैं राष्ट्रवाद के बारे में यही सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी आते हैं तो 5 सालों में वैसे भी राष्ट्रवाद में बहुत फर्क आया, आप ये जान सकते हैं, आप ये देखते हैं, और आगे उनको उनकी मोदी जी को हमें इसीलिए जरूरत है ताकि आगे से हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीजें ना आए। क्या राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो पागल नहीं है, सबको पता है आज हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद ही है, और ये खत्म होगा। तो सपना चौधरी बता रही है कि राष्ट्रवाद इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि आज जितनी भी सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुँची हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय सिनेमा के एक से बढ़कर एक अपना समर्थन देने के लिए, उनमें देखना ये होगा कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और क्या इस समर्थन का मोदी सरकार को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।